कोरोना से निपटने को लेकर देश भर में मॉक ड्रिल आज। दिल्ली में कोरोना से निपटने के लिए क्या फैसले लिए गए, कोरोना से लोगों को बचाव के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने क्या कहा, महामारी से जुड़ी बड़ी खबरों का अपडेट देखिए कोरोना टॉप 9। कोरोना संक्रमण से निपटने के तैयारियों को लेकर भारत सरकार एक्शन में है। इसी के तहत आज देश भर में कोविड अस्पतालों में मॉक ड्रिल होने जा रही है। मॉक ड्रिल के जरिए कोरोना से निपटने को लेकर देश के अस्पतालों में तैयारियों की समीक्षा होगी। ड्रिल के दौरान सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री मौजूद रहेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज खुद सफदरगंज अस्पताल में सुबह 10 बजे मॉक ड्रिल की तैयारियों का जायजा लेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ड्रिल से आकलन हो पाएगा कि कोरोना से लड़ाई में देश के अस्पताल कितने तैयार हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के साथ आईएमए की बैठक हुई। बैठक के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से जारी अपील में लोगों को हिदायत दी गई कि वो सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। दिल्ली में कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने की समीक्षा बैठक। दिल्ली सरकार ने 104 करोड़ रुपए की अतिरिक्त फंड जारी किया और अस्पताल को निर्देश दिए हैं कि वो बेड की क्षमता, वेंटिलेटर, आईसीयू सुविधाएं, स्टाफ, ऑक्सीजन और मेडिकल लॉजिस्टिक की जानकारी स्वास्थ्य निदेशालय के साथ साझा करें। कोरोना के मद्देनजर दिल्ली एयरपोर्ट पर दिल्ली सरकार के स्कूल शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। शिक्षकों की ड्यूटी कोरोना में बढ़ोतरी की आशंका को देखते हुए विदेश से आ रहे यात्रियों की निगरानी और एयरपोर्ट पर कोरोना नियमों का पालन कराने के लिए लगाई जा रही है। चीन में कोरोना के हालात को देखते हुए राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पहली बार कहा है कि लोगों की जिंदगी बचाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। जिनपिंग ने कहा कि हमें कोरोना से बचने के लिए अपना कम्युनिटी स्ट्रक्चर मजबूत करना होगा, जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। चीन के अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए जगह नहीं है। वेटिंग हॉल में मरीजों की लंबी लाइन लगी हुई है। मॉर्चरी के बाहर अंतिम संस्कार के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। ब्रिटेन की फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट का दावा है कि इस हफ्ते एक दिन में चीन के 3,70,00,000 लोग कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। दिसंबर के 20 दिनों में चीन के 2,50,00,000 लोगों के संक्रमित होने का दावा किया जा चुका है। चीन के कई शहरों में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। कई शहरों में केस तेजी से बढ़े हैं। वहीं बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते मेडिकल स्टाफ की कमी हो रही है। अस्पतालों में बुखार की चपेट में आए नवजात बच्चों की संख्या तेजी से बढ़ी है। ब्लड की कमी के चलते लोगों से रक्तदान की अपील की जा रही है।